Good morning, students. Today we are going to read and study the chapter titled as Garden in a Bottle. So, students, we will begin with the reading of the chapter. First, we will deal with the introduction part, which will give the brief highlight of the chapter, what the story is all about. So we begin with it. The first terrarium was quite accidentally discovered by a British doctor, Nathaniel Watt, in 1842. तो जो पहला कांच वाटिका है वो अकस्मात उसका आविष्कार या उसकी खोज हुई थी एक ब्रिटिश डॉक्टर जिनका नाम नैथेनियल वॉट था और उन्होंने इसकी खोज 1842 में पहली बार की थी। वॉट हैड एन इंटरेस्ट इन ऑब्जर्विंग इंसेक्ट बिहेवियर एंड एक्सीडेंटली लेफ्ट वन ऑफ द सील ग्लास जार अनअटेंडेड। नैथेनियल वॉट जो डॉक्टर थी उनका आकर्षण या उनकी रुचि कीड़ों के स्वभाव को का अवलोकन करने के लिए थी और यकायक एक बार उन्होंने एक कांच का बर्तन वो पूरी तरह से बंद था उस पे बिना कोई ध्यान दिए उसको छोड़ दिया। A fern spore in a jar grew, germinated into a plant, and gave a doctor the reason to believe that plants can create its own ecosystem even in a sealed glass container. और क्योंकि उन्होंने वो ग्लास का बर्तन बिना उस पे उनका कोई ध्यान नहीं था इसलिए उसमें जो पौधा था वो उगाया, जो बीज था पौधे की वो अंकुरित हो गया एक पौधे में और इस प्रक्रिया ने डॉक्टर को एक कारण दे दिया ये मानने के लिए कि पौधे जो हैं या पेड़ जो हैं वो अपनी परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम यानी अपने भौतिक माहौल के साथ जीवों के समुदाय से संपर्क गठित करने की प्रणाली मतलब वो अपना जीवन खुद तय कर सकते हैं। तो उनको ये कारण मिला ये मानने के लिए कि पौधों का एक अपना प्रणाली है जिसमें वो अपना जीवन तय कर सकते हैं और वो एक बंद कांच के बर्तन में भी हो सकता है। He used the experience for shipping native British plant to Australia and likewise receiving native Australian plants to Britain in specially designed glass containers called Wardenian cases. और जो वो डॉक्टर थे उन्होंने ये अपना अनुभव पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल किया जैसे वो ब्रिटिश या ग्रेट ब्रिटेन से वो पौधा एक ग्लास के बर्तन या एक ग्लास के कंटेनर में कांच के बर्तन में करके वो दूसरे देश भी ले जा सकते थे जैसे वो लंदन के पेड़ ऑस्ट्रेलिया ले गए और ऑस्ट्रेलिया से कुछ पेड़ लंदन या ब्रिटेन वापस लाए जो कांच का बर्तन उसके ही लिए बनाया गया था जिसको वार्डेनियन केसेस के नाम से जाना गया। डिस्पाइट मंथ्स ऑफ ट्रेवल द प्लांट्स रिमेन इन अ परफेक्ट कंडीशन और महीनों की यात्रा के बावजूद जो उसमें पौधा था वो उसी एकदम स्वस्थ स्थिति में बना रहा। The trend spread far and wide and also underwent many modification and improvisation and a change of name. और ये जो प्रक्रिया थी या ये जो
उनका कार्य था वो प्रचलित हो गया था और दूर दूर तक फैल गया था, और उसमें कुछ तब्दीलियां और परिवर्तन करके उसको बढ़ाया गया और उसके नामों में भी बदलाव किया गया। Read on to know more about a terrarium that has been thriving for more than 40 years completely sealed from the outside world. So, इस पार्ट में हम ये एक ऐसे ही प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे जो पिछले 40 साल से बिना किसी बाहरी दुनिया के प्रभाव से वो अपने आप को जीवित रखे हुए है और फल फूल रहा है। तो यहाँ पर टेरारियम का अर्थ होता है कांच वाटिका, एक्सीडेंटली का अर्थ है अकस्मात या संयोग से, डिस्कवर्ड का अर्थ है खोज किया या किसी नई बात का पता लगाना, ऑब्जर्विंग का अर्थ है अवलोकन करना, अनटेंडेड यानी कि बिना किसी ध्यान के छोड़ देना, जर्मिनेटेड का अर्थ है अंकुरित, डिजाइन का अर्थ है किसी चीज के लिए योजना बनाना, मॉडिफिकेशन का अर्थ है काम चलाओ व्यवस्था या उसमें सुधार करना, इम्प्रोवाइजेशन मतलब उसमें कुछ बदलाव करना या परिवर्तन करना, और थ्राइविंग का अर्थ है संपन्न या फिर फलता फूलता। नाउ आफ्टर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड विद द चैप्टर वी विल बिगिन विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर एंड द स्टोरी। डेविड लैटिमर इज वन ऑफ द वर्ल्ड few proud owners of an entirely self-sustaining bottle garden. David Latimer नामक जो व्यक्ति है वो एक गर्वांकित मालिक है एक आत्मनिर्भर कांच वाटिका के। Looking at the picture of the lush green bottle, you would think that growing it involved a lot of hard work. हम इस चित्र को या इस तस्वीर को देखकर हमें ये लगता होगा कि कांच वाटिका में पौधे लगाने में बहुत ही परिश्रम लगा होगा। But the truth is that David hasn't even watered it in over 40 years. लेकिन हकीकत ये है कि डेविड लैटिमर जिसके मालिक है उसमें उन्होंने पिछले 40 साल में पानी तक नहीं डाला है। It just been sitting under a hallway stairs in his home and it's doing extremely well on its own. और ये जो कांच वाटिका है ये उन्होंने अपने घर की या हॉल की सीढ़ियों के पास रख दिया है और वो अत्यंत ही अच्छा कर रही है अपने आप से। The story of this amazing experiment began in 1960 on an Easter Sunday when David decided that it would be fun to start a bottle garden. ये कहानी डेविड लैटिमर की उस अद्भुत खोज की है या प्रयोग की है जिसकी शुरुआत 1960 में ईस्टर वाले रविवार को हुई थी। जब डेविड ने ये तय किया ये फैसला किया कि एक कांच वाटिका बनाने में बहुत ही मजा या खुशी मिलेगी। सिंस देयर वर अ बिट ऑफ अ क्रेज बैक देन ही वांटेड टू सी फॉर हिमसेल्फ व्हाट द फर्स्ट वाज ऑल अबाउट। और क्योंकि उन दिनों इस कांच वाटिका को लेकर बहुत सी खबरें चल रही थी बहुत सा उत्साह था इसलिए वो स्वयं देखना चाहते थे अपने लिए कि ये जो बातचीत हो रही है वो किस विषय पे है। सो आउट ऑफ आइडियल क्यूरियोसिटी ही गॉट हिमसेल्फ अ 10 गैलियन गोबुलर बॉटल
pots were composed at the bottom and used a piece of wire to carefully lower a seedling in. और सिर्फ महज जिज्ञासा अपने जिज्ञासा के लिए वो अपने लिए एक 10 गैलन जिसमें जो माप होता है किसी तरल पदार्थ का माप करने वाले एक गोला आकार की बोतल लेके आए। उसमें उन्होंने कुछ मिट्टी और खाद उसके निचले स्तर और नीचे उसमें डाला और एक तार की मदद से उसमें एक बीज डाल दिया। Then he poured in just about a quarter of pint of water and believe it or not, he only watered the plant on once more in 1972. और बीज डालने के बाद उन्होंने उसमें 1/4 पानी जो पानी की मात्रा थी वो डाली और आप यकीन माने या ना माने उन्होंने इसके बाद पौधे में सिर्फ एक बार पानी डाला वो भी 1972 में। Never again after that. It has been alive and kicking for past 54 years. और उसके बाद उन्होंने कभी भी उसमें पानी नहीं डाला और वो अपने आप जीवित है और बढ़ रही है पिछले 54 सालों से। The plant that David placed in a bottle is an indoor variety of a perennial spiderwort that also go by the Latin name of Transitentia. तो जो पौधा है डेविड लैटिमर की कांच वाटिका में वो घर के अंदर ही उगने वाली एक किस्म की पौधा है जो जिसका नाम स्पाइडर वॉट है और लातिन भाषा में उसे ट्रेडिसेंशिया बोलते हैं। द बॉटल इटसेल्फ इज टाइटली सील्ड और जो बोतल है वो उन्होंने बहुत बंद कर रखी है, बहुत मजबूती से बंद है। डेविड ओनली नीड्स टू रोटेट इट अराउंड ऑफन सो इट ग्रोज इवनली टूवर्ड्स द लाइट। और डेविड सिर्फ ये करते हैं कि उसको रोशनी की तरफ घुमाते रहते हैं ताकि वो बराबर रूप से बढ़ सके। अदरवाइज इट्स अ डेफिनेशन ऑफ लो मेंटेनेंस ही सेड। और उन्होंने कहा उन्हें सिर्फ इतना करना होता है और इसके बाद भी वो एक कम लागत या कम खर्च की एक पौधा या एक परिभाषा है। आई हैव नेवर बर्नड इट, इट जस्ट सीम्स टू हैव ग्रोन टू द लिमिट्स ऑफ द बॉटल। डेविड लैटिमर बताते हैं कि उन्होंने कुछ खर्च नहीं किया और उन्होंने कुछ ऐसा अद्भुत नहीं किया, ये बस वो स्वयं खुद ब खुद बोतल की सीमा में उग गया है। Now students, let's discuss some of the difficult words in this passage. So the first word is proud owner. Proud owner का अर्थ होता है एक वो मालिक जिसे अपनी सफलता पर गर्व हो। Second is self-sustaining. सेल्फ सस्टेनिंग का अर्थ होता है अपने आप या फिर आत्मनिर्भर। स्टेयर्स का अर्थ है सीढ़ियां। एक्सट्रीमली का अर्थ है अत्यंत। अमेजिंग का अर्थ होता है आश्चर्यजनक या फिर अद्भुत। एक्सपेरिमेंट का अर्थ होता है प्रयोग। क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है जिज्ञासा। ग्लोबुलर बॉटल यानी कि गोल आकार की बोतल। पोड का अर्थ है डाला। किकिंग मतलब वो अपने आप बढ़ता जा रहा है। इंडोर वैरायटी का अर्थ है घर के अंदर लगने वाली नस्ल या उस किस्म का पौधा। सील का अर्थ होता है मजबूती से बंद करना और लो मेंटेनेंस का अर्थ होता है कम खर्च पर या कम लागत पर।
Students, now we will deal with the questions based on the passage 1 that we have discussed just now. So the first question which we can get from the passage is, who is the owner of self-sustaining bottle garden? आत्मनिर्भर कांच वाटिका के मालिक कौन है? Answer, David Latimer is the owner of self-sustaining bottle garden. तो आत्मनिर्भर या अपने आप बढ़ने वाली कांच वाटिका के मालिक David Latimer है. Question number 2, What made David Latimer to experiment with bottle garden? क्या कारण था कि डेविड लेटिमर ने कांच वाटिका का प्रयोग किया? आंसर, देयर वाज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्रेज अबाउट इट ड्यूरिंग दैट टाइम व्हिच मेड डेविड टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट. उस समय कांच वाटिका को लेकर लोगों में बहुत सा उत्साह था और इसी कारण से डेविड लैटिमर ने ये प्रयोग किया. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड डेविड लैटिमर डू टू ग्रो अ प्लांट इन हिज यूनिक गार्डन? डेविड लैटिमर ने एक अलग किस्म की वाटिका बनाने के लिए क्या किया या उसमें पौधा लगाने के लिए उन्होंने क्या किया? Answer, David Latimer got himself a globular bottle, added some compost at the bottom and added seed with the help of wire and watered it once. Plant grew all on its own. So David Latimer जो थे उन्होंने अपने लिए एक गोलाकार बोतल ली, उसमें उन्होंने कुछ मिट्टी और खाद का मिश्रण उसके नीचे डाला, बोतल के निचले स्तर पे डाला और तार की मदद से उसमें बीज डाला और सिर्फ एक बार उन्होंने उसमें पानी दिया और जो पौधा था वो अपने आप ही बढ़ता चला गया. क्वेश्चन नंबर 3, विच वैरायटी ऑफ प्लांट इज ग्रोइंग इन डेविड्स यूनिक गार्डन? तो किस नस्ल का पौधा या पेड़ डेविड के अलग किस्म की वाटिका में उग रहा है? आंसर, द प्लांट दैट डेविड प्लेस्ड इन अ बॉटल इज एन इनडोर वैरायटी ऑफ पेरिनियल स्पाइडर वॉर्ट्स that is also known as transcentia in Latin terminology. तो जो पौधा डेविड लैटिमर ने अपने कांच वाटिका में उगाया है वो घर के अंदर ही उगने वाला एक पौधे का प्रकार है. उस पौधे की किस्म है जिसका नाम स्पाइडर वॉर्ट्स है और जिसे लातिन भाषा में ट्राइडिस सेंशिया बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज डेविड्स बॉटल गार्डन रिफर्ड एज अ लो मेंटेनेंस प्लांट? डेविड की जो कांच वाटिका है उसे कम खर्चे वाला पौधा क्यों बोला जाता है? आंसर, डेविड्स बॉटल गार्डन इज रिफर्ड एज अ लो मेंटेनेंस प्लांट as he has to do nothing for its maintenance, just rotate it towards the light and plant grows itself to the limits of the bottle. उसे कम डेविड की कांच वाटिका को कम खर्चे का पौधा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें उन्हें कुछ नहीं करना होता है उसके रख रखाव के लिए, बस उसे घुमाते हुए रहना चाहिए जिससे उसे पर्याप्त रोशनी मिल सके और पौधा बराबर रूप से बढ़ सके और उसके बाद वो पौधा अपने आप ही बोतल की सीमा में खुद ब खुद बढ़ता रहता है.
So now, students, we will deal with the second passage of the chapter, which read as follows. So what makes the spider web so special that it can grow with almost no outside help? जो पौधा है स्पाइडर वॉट्स, उसकी क्या खास, क्या उसको इतना खास बनाता है कि वो बिना किसी बाहरी मदद से भी उग जाता है? This secret is really pretty simple. The plant has been extremely successful in creating its own natural ecosystem. ये जो रहस्य है या गुप्त रहस्य है वो बहुत ही साधारण है, क्योंकि जो पौधा है वो अत्यंत ही सफल रहा है, बहुत ही ज्यादा सफल रहा है अपने लिए खुद में एक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण बनाने में. Using a little water that David gave the plant 42 years ago, it has managed to get a water cycle going inside the bottle. और जो थोड़ा बहुत पानी डेविड ने पौधे को 42 साल पहले यानी 42 साल पहले दिया था, उसी से वो पानी की एक चेन या पानी को उसी पानी का बार बार इस्तेमाल करने में बोतल के अंदर पौधा सफल रहा है. The water is taken up by roots, released into the air through transpiration and condenses down into a potting mixture and cycle repeats itself. जो पानी दिया गया था पौधे में वो उसकी जड़ों तक जाती है, उसके बाद वो भाप बनाकर हवा में छोड़ देता है, जो भाप बनकर या स्वेद बनकर हवा में रहता है, उसके बाद वो जम जाता है. जो मिश्रण है खाद और मिट्टी का, जो गमले का जो या कांच वाटिका का जो मिश्रण है, उसमें वो वापस आके जम जाता है. और यही जो कार्य है, यही जो चेन है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है. तो द ग्लास द लीव्स आर एबल टू एब्जॉर्ब एज मच लाइट एज दे नीड टू फोटोसिंथेसिस. जो कांच है उसके जरिए कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो उतनी रोशनी अपने में ले लेती है जितनी उसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है, यानी भोजन बनाने के लिए जरूरी होता है, जिसकी मदद से वो उसके लिए पोषक तत्व बनाता है जो मदद करता है पौधे को बढ़ने में. द ऑक्सीजन क्रिएटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल्सो पुट्स इनफ मॉइस्चर इन द एयर फॉर इट टू रेन बैक डाउन ऑन द प्लांट. और जो हवा बनती है प्रकाश संश्लेषण के जरिए या फोटोसिंथेसिस के जरिए, वो उसमें उतनी नमी दे देते हैं हवा में कि वो वापस आकर पौधे पे जम जाती है या बरसात हो जाती है. As the leaves age, they drop to the bottom and rot, helping to create carbon dioxide. और जो पौधे की जो आयु खत्म हो जाती है वो उसी बोतल में नीचे गिर जाती है और सड़ जाती है, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, एंड न्यूट्रिएंट्स दैट आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. और उसके साथ वो कुछ पोषक तत्व या पोषण भी बनाता है जो जड़ों के जरिए सोख लिया जाता है. At night when there is no sunlight, the plant breaks down nutrients and uses cellular respiration to stay alive. और जब रात में जब कोई सूरज की रोशनी नहीं होती है, तब जो पौधा है वो अपने पोषक तत्व को तोड़ देता है और उसको सेलुलर रेस्पिरेशन यानी जो कोशिकीय श्वसन है कि खाने को वो एक शक्ति के रूप में बनाता है और उसके जरिए वो जिंदा
रहता है. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स. फर्स्ट इज सीक्रेट, जिसका अर्थ होता है गुप्त. सेकेंड इज एक्सट्रीमली, अर्थात अत्यंत. थर्ड इज ट्रांसपिरेशन, जिसका अर्थ होता है श्वेत, यानी कि जो पौधा है वो भाप में, पत्तियों से भाप में तब्दील हो, पानी जो है वो भाप में तब्दील हो जाता है. कंडेंसेस, यानी कि संक्षिप्त करना या दोबारा से जम जाना. पॉटिंग मिक्सचर, जो पौधे लगाने का मिश्रण होता है गमले में. रिपीट, यानी कि पुनरावृत्ति करना या दोहराना. फोटोसिंथेसिस, वो एक प्रक्रिया है जिसके जरिए पौधा अपना खाना बनाता है रोशनी की मदद से. मॉइस्चर अर्थात नमी. न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व. एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना. और सेलुलर रेस्पिरेशन का अर्थ होता है कोशिकीय स्ववासन. ये एक वह प्रक्रिया है जिसमें खाने को एक शक्ति के रूप में, एनर्जी के रूप में तब्दील कर लिया जाता है पौधों द्वारा. Now students, we will deal with the some of the questions based on the passage 2 that we have read just now. So the first question is, what is the speciality of spider wort? जो पौधा डेविड ने अपनी कांच वाटिका में लगाया स्पाइडर वॉट, उसकी क्या खासियत है? आंसर, स्पाइडर वॉट इज सक्सेसफुल एट क्रिएटिंग इट्स ओन इकोसिस्टम एंड इट कैन ग्रो विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प. स्पाइडर वॉट की खासियत यह है कि वो अपना स्वयं का प्राकृतिक वातावरण बनाने में सफल होता है और वो बिना किसी बाहरी मदद से भी बढ़ता और फलता फूलता रहता है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में क्या होती है? आंसर, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच green plants and certain other organism transfer light energy into chemical energy. तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए हरे भरे पेड़ पौधे या दूसरे जीव रोशनी को खाने में तब्दील करता है. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैज द स्पाइडर वॉट मैनेज टू थ्राइव इनसाइड sealed bottle without being watered? जो पौधा है स्पाइडर वॉट, वो किस प्रकार सफल रहा है जीवित रहने में बिना किसी के पानी देने के बावजूद? आंसर, स्पाइडर वॉट प्लांट इज सेल्फ सफिशियंट एज इट कैन ग्रो विद ऑलमोस्ट नो हेल्प फ्रॉम आउटसाइड. It's successful in creating its own ecosystem. वो सफल पौधा जो है वो खुद में ही आत्मनिर्भर है. वो बिना किसी बाहरी मदद से जीवित रह सकता है और वो सफल हुआ है अपने आप में एक खुद का प्राकृतिक वातावरण बनाने में. Now students will begin with the third passage. The bottle has lived for 27 years in the same spot in David's retirement home in Cranleigh, Surrey. जो बोतल थी या जो कांच वाटिका थी वो पिछले 27 सालों से एक ही जगह पर रखी हुई है, जो डेविड के सेवानिवृत्त होने वाला घर था सरे के एक शहर क्रैनलेह में. He took a photograph of it to a BBC radio show called Gardeners Question Time to check with the experts if plant was of any horticultural interest.
वो एक दिन डेविड लैटिमर ने पौधे की तस्वीर बीबीसी के रेडियो के एक कार्यक्रम जिसका नाम था गार्डनर क्वेश्चन टाइम, वहां पर ले गए ये जांचने के लिए विशेषज्ञों से, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो पौधा किसी बागबानी रुचि के लायक है या नहीं। एंड दैट्स व्हेन इट गेन द मीडिया अटेंशन, और तब उस पौधे ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डन डिजाइनर एंड टेलीविजन प्रेजेंटर क्रिस बिएट्रो, इट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ वे इन विच अ प्लांट इज एबल टू रिसाइकिल, इट्स अ परफेक्ट साइकिल ऑफ लाइफ। वहां पर जो कार्यक्रम के संचालक थे और जो बागबानी के विशेषज्ञ थे जिनका नाम क्रिस बिएट्रो था, उन्होंने इस पौधे को एक बेहतरीन उदाहरण बताया कि किस तरह पौधा सिस्टम को या प्रक्रिया को की पुनरावृत्ति करने के लिए, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है, और वो एक जिंदगी का जो दोहराती है जिंदगी, उसका बेहतरीन उदाहरण है। BHO pointed out that this process was one of the reasons for NASA's interest in taking plants into space. BHO का ये भी कहना था कि ये प्रक्रिया ही एक कारण है जो NASA, जो अंतरिक्ष में खोज करने वाली संस्था है, उसकी रुचि बन रही है कि पौधों को अंतरिक्ष में ले जाएं। Plants operates as a very good scrubbers, taking out pollutants in the air so that space station can effectively become self-sustaining. उनका ये मानना था कि पौधे या पेड़ जो है वो प्रदूषण को दूर करने वाले या साफ वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत बेहतरीन है, और जिससे जो अंतरिक्ष यान है वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएगा। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ जस्ट हाउ पायनियरिंग प्लांट्स आर एंड हाउ दे विल परसिस्ट गिवन द अपॉर्चुनिटी, ही सेड। उनका मानना था ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि पौधे कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब अगर उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। बट नॉट एवरी वन इज एंथुसियास्टिक अबाउट बॉटल गार्डन्स, लेकिन सब कोई उतना उत्साहित नहीं था उस कांच वाटिका के प्रति। लाइक ऑर्गेनिक गार्डनर बॉब फ्लावर ड्यू हु सेड, इट इज वंडरफुल बट नॉट फॉर मी, थैंक्स आई कांट सी द पॉइंट, आई कांट स्मेल इट, आई कांट ईट इट। डेविड जहाँ बीबीसी रेडियो शो में कार्यक्रम में ले गए थे, वहाँ पे दूसरे जो बागबानी विशेषज्ञ थे बॉब फ्लावर ड्यू जिनका नाम था, उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन है लेकिन उनके लिए नहीं, धन्यवाद। उनका कहना था कि वो उसको देख नहीं सकते, उसकी सुगंध नहीं ले सकते और उसे खा भी नहीं सकते। डेविड हैज नो चॉइस बट टू एग्री विद बॉब। अब डेविड जो उसके पौधे के मालिक थे, उनके पास कोई चारा नहीं बचा बल्कि वो बॉब की बातों से सहमत हो ली। डेविड डिड से दैट बॉटल इज इनक्रेडिबली डल एंड डजंट रियली डू एनीथिंग, बट ही इज स्टिल एक्साइटेड टू सी हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। डेविड ने ये जरूर कहा कि बोतल जो है वो बहुत ही ज्यादा बुझी हुई है और कुछ करती नहीं है, कुछ ऐसा विशेष नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो उत्साहित है ये जानने के लिए वो कितने दिन जीवित रह सकता है पौधा। He hopes to pass it on to his future generations and if they aren't interested to Royal Horticultural Society. David, ये उम्मीद करते हैं कि वो इस काच वाटिका को अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे, और अगर उनकी रुचि उसमें नहीं है तो वो इसको एक
बागवानी संस्था जिसका नाम रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी है उसको देंगे। डेविड्स बॉटल गार्डन इज एसेंशियली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचर्स रिसाइकलिंग प्रोसेस। डेविड का जो कांच वाटिका है वो एक बेहतरीन उदाहरण है प्रकृति कैसे अपने आप को दोहराती है इसके प्रति। एंड द वंडरफुल पार्ट इज दैट इट शुड वर्क विद ऑलमोस्ट एनी प्लांट। और इसका सबसे खूबसूरत भाग यह है कि ये किसी भी पौधे के साथ काम कर सकते हैं, नॉट जस्ट स्पाइडर वॉट्स, सिर्फ स्पाइडर वॉट्स के ही लिए ही ये सीमित नहीं है। ऑल यू नीड टू क्रिएट योर ओन लार्ज इज अ लार्ज ग्लास कंटेनर विद अ वाइड नेक एंड सम गुड क्वालिटी पॉटिंग कंपोस्ट डीप इनफ फॉर प्लांट टू सिंक इन इट्स रूट। आपको अपनी कांच वाटिका बनाने के लिए एक बड़े कांच का बर्तन चाहिए जिसके गर्दन जो हो चौड़ी हो और उसमें आप खाद और मिट्टी का अच्छा मिश्रण डालें जो इतना गहरा हो कि पेड़ की जो जड़ है या पौधे की जड़ है वो उसमें डूब जाए। इंट्रोड्यूस वेरी फ्यू टाइनी स्पेसिमेंस ऑन द प्लांट इन द जार एंड प्लेस इट वेल लिट स्पॉट। और उसमें पौधे की कुछ नमूने डालें और उसके बाद उसे अच्छी जहाँ पर अच्छी रोशनी आती है वहाँ पर रख दें। दैट इज अबाउट इट। यू हैव गॉट योर सेल्फ अ ब्यूटिफुल बॉटल गार्डन एंड दैट विल थ्राइव फॉर ईयर्स टू कम। बस इतना ही है और आप अपने लिए एक सुंदर कांच वाटिका बना सकते हैं जो लंबे समय तक आने वाले वर्षों तक फलती फूलती रहेगी। सो सम ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स आर, फर्स्ट इज रिटायरमेंट अर्थात जो सेवा निवृत्त हो जाए या नौकरी से निवृत्त हो जाए उसका कार्यभार का समय समाप्त हो जाए। सेकंड एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, हॉर्टिकल्चरल इंटरेस्ट यानी कि जो बागवानी में रुचि रखते हैं उसके लिए, अटेंशन यानी अर्थात ध्यान, रिसाइकिल अर्थात पुनरावृत्ति, स्पेस अर्थात अंतरिक्ष, स्क्रबर्स मतलब साफ करने वाले, पॉल्यूटेंट्स प्रदूषण, पाइनरिंग दूसरों को राह देने वाले या अग्रणी, एंथुसियास्टिक अर्थात उत्साही, अपॉर्चुनिटी अर्थात अवसर, वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, जेनरेशन पीढ़ियां, एसेंशियली अर्थात अनिवार्य रूप से, सिंक अर्थात डूबना, स्पेसिमेंस यानी कि नमूने और थ्राइव यानी कि फलता फूलता रहेगा। Students, now we will deal with the questions based on the passage 3. The first question is, how did David Latimer's unique garden gain media's attention? तो David Latimer का जो अजीब सा वाटिका थी उसे मीडिया के ध्यान में वो कैसे आई? Answer: David Latimer took the photograph of the plant to a BBC radio show called Gardener's Question Time to check its horticultural importance and this way it gained media's attention. जो David का पौधा था उसकी तस्वीर लेके David BBC के रेडियो के कार्यक्रम में गए जिसका नाम था Gardener's Question Time। वो वहाँ पर विशेषज्ञों की राय जानना चाहते थे तभी वहाँ पर उस वाटिका को मीडिया का आकर्षण मिला। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज क्रिस बियर्डशॉ? आंसर, क्रिस बियर्डशॉ वाज अ गार्डन डिजाइनर एंड टेलीविजन प्रेजेंटर एंड बीबीसी रेडियो शो। क्रिस बियर्डशॉ कौन थे? क्रिस बियर्डशॉ वहाँ
बीबीसी के रेडियो कार्यक्रम के संचालक थे और एक बागवानी विशेषज्ञ भी थे। So now students, we will discuss some of the word meanings. So the first word is proud. Its meaning is feeling deep pleasure or satisfaction as a result of one's own achievement. यानी कि अपनी सफलता के लिए हम संतुष्ट भाव से खुश हो, अर्थात स्वाभिमानी। Self-sustaining. Its meaning is able to continue in a healthy state without outside assistance. यानी कि बिना किसी बाहरी मदद से हम एक स्वस्थ रूप में फलते रहें, अर्थात आत्मनिर्भर। Third is amazing. Its meaning is causing great surprise or wonder. अर्थात अद्भुत या आश्चर्यचकित। Next is experiment, a scientific procedure undertaken to make a discovery, अर्थात प्रयोग। Next word is port, its meaning is flow rapidly in a steady stream, अर्थात डाला। Next word is Indo variety, its meaning is happening, used or existing inside a building, अर्थात घर के अंदर या भीतरी। Next word is terrarium. Its meaning is a sealed transparent globe or similar container in which plants are grown. मतलब एक आर पार दिखने वाला कांच का बर्तन जिसमें पौधे उगाए जाते हैं, अर्थात कांच वाटिका। Next word is discovered. Find unexpectedly or during a search, अर्थात खोज करना। Next word is successful. Its meaning is accomplishing a desired aim or result, अर्थात सफल। Next is released. Its meaning is allow something to move, act or flow freely, अर्थात मुक्त। Next is moisture, water or other liquid diffused in a small quantity as vapor, अर्थात नमी। Next word is retirement. The action or fact of leaving one's job and ceasing to work, अर्थात सेवानिवृत्त। Next is experts. A person who are very knowledgeable about or skillful in a particular area, अर्थात विशेषज्ञ या विशेषज्ञों। Next is pioneering, involving new ideas or methods, अर्थात अग्रणी। Next is enthusiastic, having or showing intense and eager enjoyment, interest or approval, अर्थात उत्साही। Next is generation, all of the people born and living at about same time, अर्थात पीढ़ी। Next is recycle, convert waste into reusable material, अर्थात पुनरावृत्ति करना। Opportunity, a time or set of circumstances that makes it possible to do something, अर्थात अवसर। Students, now we will do some of the classwork, the question based on the entire chapter. So the first question is, how did David's experiment led to the creation of his unique garden? Answer,
In 1960, on Easter Day, David decided that he would experiment with a bottle garden, as there was lot of news making and craze of it during that time. So he started the experiment out of his curiosity. David ने अद्भुत वाटिका बनाने का प्रयोग किस कारण से शुरू किया? तो 1960 में ईस्टर वाले रविवार को डेविड ने तय किया कि वो एक कांच वाटिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस समय उसकी बहुत हलचल थी और उत्साह था, इसलिए वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग शुरू किया। He got himself a 10-gallon gobbler bottle, poured some compost at the bottom, and through the use of wire in seedling, he put quarter of water in the bottle, and after that he watered only once. Just rotated around its grows evenly, and plant have grown on its own to the limit of the bottle. तो वो अपने लिए वहां पे 10 गैलन, मतलब एक नाप वाली गोलाकार बोतल लेके आए, जिसमें उन्होंने उसके में सबसे नीचे मिट्टी और खाद का मिश्रण डाला, उसके बाद तार की मदद से उन्होंने उसमें बीज डाला और 1/4 पानी बोतल में भर दिया। उसके बाद उन्होंने सिर्फ उसको एक बार और पानी दिया, हालांकि वो उसको बार बार रोशनी की तरह घुमाते रहे ताकि पौधा बराबर रूप से अपने आप बोतल में बढ़ता रहे। Now after getting introduced with the chapter, we will begin with the reading of the chapter and the story. David Latimer is one of the world's few proud owners of an entirely self-sustaining bottle garden. David Latimer नामक जो व्यक्ति है वो एक गर्वांकित मालिक है एक आत्मनिर्भर कांच वाटिका के। Looking at the picture of the lush green bottle, you would think that growing it involved a lot of hard work. हम इस चित्र को या इस तस्वीर को देखकर हमें ये लगता होगा कि कांच वाटिका में पौधे लगाने में बहुत ही परिश्रम लगा होगा। But the truth is that David hasn't even watered it in over 40 years. लेकिन हकीकत ये है कि डेविड लैटिमर जिसके मालिक है उसमें उन्होंने पिछले 40 साल में पानी तक नहीं डाला है। It just been sitting under a hallway stairs in his home and it's doing extremely well on its own. और ये जो कांच वाटिका है ये उन्होंने अपने घर की या हॉल की सीढ़ियों के पास रख दिया है और वो अत्यंत ही अच्छा कर रही है अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वन मेक्स वंस ओन बॉटल गार्डन? किस प्रकार से एक व्यक्ति खुद का कांच वाटिका बना सकता है? आंसर, वन कैन मेक इट्स ओन बॉटल गार्डन बाय डूइंग फॉलोइंग। निम्न कार्य करने से एक व्यक्ति खुद का कांच वाटिका बना सकता है। वन नीड्स टू क्रिएट लार्ज ग्लास कंटेनर विद अ वाइड नेक एंड सम गुड क्वालिटी पॉटिंग कंपोस्ट डीप इनफ फॉर द प्लांट टू सिंक इट्स रूट्स। देन इंट्रोड्यूस वेरी फ्यू टाइनी स्पेसिमेंस ऑफ द जार एंड प्लेस इट इन अ वेल लिट स्पॉट। दिस वॉज वन कैन मेक इट्स ओन बॉटल गार्डन विच इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड विल थ्राइव फॉर इयर्स टू कम। पहले व्यक्ति को एक बड़ा कांच का बर्तन लेना है जिसके गर्दन बड़ी हो, उसमें वो अच्छा मिश्रण जो खाद और मिट्टी का पौधे लगाने के लिए मिश्रण होता है उसको
उस बोतल में भर दे नीचे तक, गहराई तक, जिससे वो पौधे की जड़ उसमें डूब जाए। उसके बाद वो पौधे के थोड़े नमूने उस बर्तन में डाले और उसको अच्छी रोशनी वाली जगह पर रख दे। इस प्रकार से व्यक्ति अपनी खुद की कांच वाटिका बनाने में सफल हो जाएगा, जो स्वयं में आत्मनिर्भर होगी और वर्षों तक वो जीवित रह पाएगी। Students, now the time for home assignment or homework. So you all have to answer the following questions and write in your notebook. So part A of the homework is answer the following question. भाग एक है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। First is, when did David Latimer start with his experiment of bottle garden? डेविड लेटिमर ने अपने कांच वाटिका का प्रयोग कब प्रारंभ किया था? क्वेश्चन टू, व्हाई फ्यू वर नॉट एंथुसियास्टिक अबाउट डेविड्स यूनिक किचन? कुछ लोग क्यों उत्साहित नहीं थे डेविड के अजीब वाटिका या अलग किस्म की वाटिका को लेकर? पार्ट बी, मेक सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड यूजिंग द फॉलोइंग गिवन वर्ड। दूसरा भाग है कि आपको दिए गए शब्दों से अपने शब्दों में वाक्य बनाना है। फर्स्ट इज अमेजिंग, अर्थात अद्भुत या आश्चर्यजनक। सेकंड इज एक्सपेरिमेंट, यानी कि प्रयोग। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर। I hope you all have enjoyed reading and studying the chapter. Thank you, everyone.